हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016 में टैक्स कैसे कैलकुलेट करें, तो इसी की बात करेंगे। तो यहां पर दो व्यूज आपको दिखाई पड़ेंगे। ये मैंने ओपन कर रखा है एक न्यू डेटाबेस, यहां से आप डिजाइन व्यू पे ले लीजिए इसे, ठीक है। टेबल वन आ रहा है, टेबल वन ही रहने देते हैं। यहां पे कर देता हूं प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। ये लिख लिया हमने प्रोडक्ट और यहां पे लिखा आईडी, प्रोडक्ट आईडी यहां पे आएगी, ऑटो नंबर रखता हूं। यहां पे आएगा प्रोडक्ट का नेम, तो ये यहां पे लिख लेता हूं प्रोडक्ट और फिर यहाँ पे नेम, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट नेम, शॉर्ट टेक्स्ट रखता हूं इसको। यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस आएगा, तो जो भी प्राइस होगा वो करेंसी डेटा टाइप होना चाहिए, ठीक है। तो ये करेंसी कर लेता हूं यहां से, ये आ गया करेंसी, ठीक है। फिर यहां पर आएगा यूनिट, तो यूनिट चूंकि पॉइंट में भी हो सकता है कि कोई शुगर खरीद रहा हो तो 1.5 किलो, 2.5 किलो, 3.5 किलो ऐसे खरीदे, दैट्स वाई यहाँ पे नंबर रखने के बाद क्या करूंगा, ये यहाँ पे फील्ड प्रॉपर्टीज में आकर के और यहां पे इसे बना दूंगा डबल, ठीक है। ये कर दिया हमने और यहां पे आप टोटल कैलकुलेट करेंगे, यानी टोटल प्राइस कितनी आएगी वो ये यहां पे कैलकुलेट होगा। तो यहां पे रख लेंगे इसे हम करेंसी डेटा टाइप, ठीक है। और यहां पर टैक्स आएगा, तो ये टैक्स कर लिया हमने शॉर्ट टेक्स्ट। और यहां पर फिर क्या करेंगे, यहां पर हमें रखना होगा नंबर डेटा टाइप, ठीक है। ये नंबर रख लिया और इसे बना लेंगे डेसिमल, ठीक है। ये जो है डेसिमल बना लेंगे, तो डबल यहां कर लेंगे तो डेसिमल में आने लगेगा। अब यहां पे रखिए और इसका जो फॉर्मेट है ना उसे बना लीजिए परसेंट। तो यहां पे फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा, इसे बना लेता हूं मैं परसेंट, ठीक है। ये जो दिखाई पड़ रहा है यहां से आप परसेंट चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इसको छोड़ देता हूं और यहां पे करते हैं हम टैक्स अमाउंट, ठीक है। ये टैक्स अमाउंट कर लिया, चलिए इसके फॉर्मेट को भी हम बना लेते हैं परसेंट। तो यहां पे कर्सर को रखना है आपको और यहां पर रख करके इसके फॉर्मेट को बना लेना है परसेंट। तो यहां से कर लीजिए परसेंट, ओके। और यहां से व्यू पे करिए क्लिक, यहां से इस तरह से कर दीजिए, ठीक है। अब यहां पे टोटल कैलकुलेट होगा, यहां पे आप कर सकते हैं। फिलहाल हमने करेंसी किया हुआ है, तो यहां व्यू पे कर दीजिए क्लिक, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। यहां पे क्रिएट पे चलिए और क्वेरी डिजाइन पे चलिए, और क्वेरी डिजाइन पे चलने के बाद इन सबको ऐड करवा लेते हैं, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, यूनिट, टोटल, टैक्स पे, फिर टैक्स, देन टैक्स अमाउंट, ठीक है। टोटल पे आ गए, राइट क्लिक करता हूं, यहां जूम पे आता हूं, ठीक है। और यहां पे कोलन लगा लेता हूं। अब यहां पर क्या करना है, प्राइस, ठीक है, इनटू यूनिट, ओके प्रेस कर दिया, ठीक है। यहां पर क्या करना है टैक्स अमाउंट पे, कैसे टैक्स अमाउंट कैलकुलेट होगा वो बता देता हूं, जूम पे ले लेता हूं। यहां पे करना है हमें टोटल, ठीक है। और यहां पे फिर करना है टैक्स, सिर्फ आपको टैक्स ही लिखना है क्योंकि आपने वहां पे नाम टैक्स ही दिया हुआ है, तो ये टैक्स लिख लिया, ओके प्रेस कर दिया। अब यहां से रन पे कर देना है क्लिक, तो जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे ये सारी चीजें आ जाएंगी आपके सामने। अब यहां पर हमें क्या करना है, प्रोडक्ट का नाम देना है, तो जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया कीबोर्ड, प्राइस है इसकी 200 रुपए और मान लीजिए कि 56 यूनिट आपने परचेस किए, तो यहां पर आ गया टोटल। अब टोटल के बेस पे मान लीजिए कि यहां पर टैक्स लग रहा हो 4.9% का, तो ये देखिए इस तरह से कैलकुलेट होकर आएगा, ठीक है। फिर यहां पर आता हूं, अब मान लीजिए माउस की बात कर लेते हैं, तो ये माउस कर लिया हमने, माउस है मान लीजिए 120 रुपए का, ठीक है। और माउस के 20 पीसेस आपने खरीदे, तो जो भी आया उस पर मान लीजिए लग गया टैक्स, तो 10% का टैक्स लगा, तो यहां पर 10% के हिसाब से 240 रुपए टैक्स हो गया, ठीक है।